जब ऊपर से आए उन्होंने देखा कि ये घर में एक औरत और एक बच्चा भाग भाग के बंदूक चला रहे हैं और पूरी बटालियन का सरेंडर करा दिया है। सुबह का वक्त था, नाश्ते का टाइम था। एंड दिस इज 71। सारे नाश्ते की मेज पे बैठे, घंटी बजी, ताई जी को बाहर बुलाया गया। उन्हें कहा बाहर आए, आपसे कुछ बात करनी है। ताई जी कहा बाहर क्यों आए, आओ तुम अंदर नाश्ता करो, सारे मेज पे बैठे, तुम भी बैठ जाओ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये खास बात करनी है, आप बाहर आए, भाभी बच्चों के आगे नहीं करना चाहते। ताई जी कहा ठीक है, बाहर चले गए। बाकी फैमिली हम नाश्ते कर रहे थे, अचानक शूटिंग की आवाज आई। ताई जी ने कहा लगता है कोई टाइगर आया है। लेकिन फिर एकदम सकूत, विच वॉज वेरी अननेचुरल, बिकॉज इफ इट वर अ टाइगर तो फिर वो शोर ढोल जो होता है प्रोसीजर, वो शोर आपको सुनाई देता है, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं था। सो ताई जी बिकेम सस्पिशियस कि क्या बात है। वो गई, उन्होंने खिड़की से बाहर झांका, और हसन तुम बिलीव नहीं कर सकते उनकी आंखों ने क्या मंजर देखा, कि उनका शोहर ताई जी को दरख्त के साथ बांधा हुआ था। और वो जो दोस्त था मुक्ति बहिनी कोई ऐसी फोर्स नहीं थी, कहां से उनके पास असलहा आना था। इट वाज अ रैगेड टैग ऑफ जस्ट अ फ्यू पीपल, यू नो, उनके पीछे तो सारी इंडियन आर्मी थी, असलहा भी इंडियन आर्मी दे रही थी, और वहां पे पूरी इंडियन आर्मी की बटालियन थी जिन्होंने एक आपके फौजी को घेरा हुआ था। एक फौजी के लिए उन्हें एक बटालियन चाहिए थी। ये भी बात सोचने वाली है। जब ताई जी ने देखा, तुम्हें पता है फौजी की बीवी फौजी से ज्यादा होती, वो भागी और घर में जितना असलहा पड़ा था, गन्स वगैरह जो कि वो रखते थे बिकॉज ऑफ द वाइल्ड लाइफ दैट वाज देयर, उन्होंने अपने बेटे को राइफल फेंकी, दोनों छत पे गए ऊपर, बेटे को कहा तुम इधर से शूट करते हुए इधर जाओगे, और वो खुद शूट करती हुई इधर। तो इतनी सारी शूटिंग की आवाज से घबरा गए, उन्होंने सोचा पाकिस्तान आर्मी आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की हमेशा से बड़ी हैबत रही है दुश्मन के ऊपर। उन्होंने एकदम हथियार डाल दिए। जो ही उन्होंने हथियार डाले, पीछे से एक और उनकी बटालियन, क्योंकि वो ऊपर पहाड़ी थी, क्योंकि बॉर्डर जो था वो उस साइड पे पहाड़ी ज्यादा है, जब ऊपर से आए उन्होंने देखा कि ये घर में एक औरत और एक बच्चा भाग भाग के बंदूक चला रहे हैं और पूरी बटालियन का सरेंडर करा दिया। तो उन्होंने पीछे से चिल्लाया, उन्होंने कहा ये तो एक औरत और बच्चा है भाई, पिक अप योर गन्स। तो अब ये बेचारे एक औरत और एक बच्चा किस तरह से, इधर से एक बटालियन है उधर से वो है, फंस गए। वो आए, उन्होंने इनको बांधा और घसीटा, घसीट के बाहर लेके आए। जो उनके सबसे छोटे बच्चा था वो 6 महीने की थी, 6 बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को, बिलबिलातों को घसीट के बाहर लाए, और उनको ताई जी को कहते तुम इसको बचाओगी, हम इसको तुम्हारे सामने छलनी करेंगे। और उन्होंने ताई जी के सामने उनका जिस्म छलनी कर दिया, वो खून में लथपथ, उनका जिस्म तड़प रहा था, और वो उनको घसीट के ताई जी को, बच्चों को, बिलबिलाते बच्चों को अपने डॉजेस में डाल के ले गए शिलोंग, which is on the other side of the border, Indian side of the border. ताई जी सदमे से बिल्कुल अपना दिमाग खो बैठी, उनको बात करना भूल गई, उनका दिमाग बिल्कुल जैसे कितना बिल्कुल खला आ गई।
बस हम ऐसे आसमान की तरफ देखती रहती थी, घूरती रहती थी। उसके बाद जो मेरे बड़े ताया, he was chosen to be the first Pakistan ambassador to Bangladesh because Zulfikar Ali Bhutto thought ke this is one family that enjoys respect there as much as here. क्योंकि हम while we were from here हमें बंगाली उसी तरह सिखाई गई थी क्योंकि वो हमारा मुल्क था कि ये तुम्हारे मुल्क का हिस्सा है, बंगाली should be learnt by you as well. So we I spoke Bengali. हमें कभी ये तफरका नहीं था, लेकिन उधर वो जो जिस तरह आप बाग में कहते हैं ना कि वीडिंग करते हैं तो जब वीड उठाते हैं ना तो उसकी जड़ें जैसे कितना फैलती हैं, दैट वॉज द इंडियन रोल, दे वर लाइक वीड इन दैट एरिया, वो ऐसे फैले हुए थे आप सोच नहीं सकते। और जब वो उनको लेके गए, ताई जी का जो हाल हुआ शिलोंग में, वो जेल में कितना अरसा रहे, फिर ताई जी वॉज द एम्बेसडर द एल्डर ताई खुर्शीद साहब, उन्होंने निगोशिएट करके इनको वहाँ से रिहाई दिलवाई, वापस पाकिस्तान आई। वो सदमा, वो इंडियन ब्रुटैलिटी, इंडियन आर्मी ब्रुटैलिटी, क्या गए उधर तो दम नहीं तोड़ा क्योंकि उनका वकार था, लेकिन इधर आके विद इन वन ईयर शी डाइड, एंड दैट इज द कैरेक्टर ऑफ अ सोल्जर एंड अ सोल्जर्स वाइफ।